हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तेरे साथ रहना है Thank you.
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हम बोले प्रभु ये सुना सुना।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। बजा के ताली गाओ रे, सुगान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गान लिखा गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, सुगान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गान लिखा गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, सुगान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से गान लिखा गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, सुगान सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर। परमेश्वर हरे को आशीष दे। मेरे प्रियो व परमेश्वर महान है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर दयावंत है, हरेक के ऊपर दया बरसाता है। वो परमेश्वर हरेक के प्राणों को बचाना चाहता है, क्योंकि मनुष्य पाप के कारण वो नाश होता जा रहा था। परमेश्वर ने क्या किया, आज के ठीक 2000 साल पहले इस संसार के अंदर आया और संसार के सारे पापों को अपने देह पर लिया और हर मनुष्य के लिए एक मार्ग तैयार किया। और उसी मार्ग के विषय में वह परमेश्वर बार बार बताता है। और जो कोई मनुष्य उस मार्ग पे खड़ा होता है और उस मार्ग को चुनता है, उस पे चलता है, अवश्य है कि उस मनुष्य का प्राण बचाया जाएगा। अवश्य है कि वह मनुष्य स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। मेरे प्रियो, समय बहुत ज्यादा नहीं है, अंत का समय चल रहा है। और यह वह समय है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर की ओर मन फिराने का समय है। और जब मनुष्य परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराकर उस परमेश्वर के मार्ग पे चलना चालू कर देता है, तो उस मनुष्य का नाम उस जीवन के पुस्तक में जो स्वर्ग में विराजमान है उसमें लिख दिया जाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, वो परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य का जो है नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा जाए, हर मनुष्य उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। वो परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। इसलिए अपने वह स्वयं इस संसार में आकर वह अपने संदेश को, अपने सुसमाचार, अपनी शिक्षाओं को मनुष्य के पास भेजता गया। फिर उसके बाद जब वह इस संसार से उठा लिया गया और पवित्र आत्मा के रूप में जब हर मनुष्य के जीवन में या इस संसार के अंदर आया, तब उसने अपने दास, अपने सेवकों के माध्यम से चेतावनियां देता रहा। अपने दास, अपने सेवकों के माध्यम से हरेक को मार्ग बताता रहा। और जिन दासों को वह चुनता था, उन्हें अपनी नई आत्मा यानी पवित्र आत्मा के रूप में उनके भीतर, उनके हृदय में आकर उस पवित्रता की बातों को, उस पवित्र वचनों को उनके द्वारा लोगों के बीच में प्रकट करता रहा। और आज भी वह परमेश्वर कह रहा है, और आज भी वह परमेश्वर हरेक से बता रहा है कि अंत का समय नजदीक है, मन फिराओ और परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाओ। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर के वचन में हमें उद्धार और चंगाई और छुटकारा मिलता है। इसलिए वह परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, चेतावनियां दे रहा है। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है अंत के समय में नाना प्रकार की घटनाएं जो कि तुम्हारे सामने घटना चालू करेगी। और अंत के समय में शैतान जो है पूरी सामर्थ, पूरे बल के, पूरी ताकत के साथ हर एक मनुष्य के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। और वास्तव में बहुत से ऐसे, इस समय में बहुत से ऐसे जो विश्वासी जन हैं, जो परमेश्वर को जानने वाले लोग भी उस शैतान के मुंह में पड़ते जा रहे हैं। कि फिर भी परमेश्वर शैतान से बचने के लिए अपने पवित्र वचन, अपने पवित्र शास्त्र के वचनों को हमारे बीच में रखा है, हमें संभलने के लिए अपने इन वचनों को हमारे बीच में रखा है,
कि हम इस वचनों को पढ़े, सुने, देखें और समझें और अपने आप को संभालें। क्योंकि संभालने के लिए, समझाने के लिए वह परमेश्वर ने अपना सहायक स्वर्ग से हमें और आपको दिया है, और वह सहायक बार बार कोशिश करता है आपको संभालने के लिए। लेकिन मनुष्य क्या करता है, अपने मन की इच्छाओं के अनुसार, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार वह क्या करता है, उस सहायक की बातों को नहीं मानता। वह मनुष्य सोचता है कि मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूं, वह मनुष्य सोचता है कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, वह मनुष्य सोचता है कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूं। वह सच में परमेश्वर की सेवा तो करता है, सच में परमेश्वर की आराधना करता है, सच में बाइबल के वचनों को पढ़ता है और एक दूसरे के बीच में शेयर करता है, लेकिन उसके करने का जो नियम, जो व्यवस्था परमेश्वर ने बनाया है, उन व्यवस्था की तरफ ध्यान न देते हुए बल्कि अपनी समझ और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सब कुछ करता है। क्योंकि हर बात के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था, अपना नियम ठहराया है और हर एक के लिए एक मददगार, एक सहायक ठहराया है कि उसके माध्यम के अनुसार या उसके अधीन होकर हर एक व्यक्ति अपने उस परमेश्वर के मार्ग पे चले। जैसे स्वयं यीशु मसीह संसार में आया तो उसने स्वयं को क्या ठहराया कि मैं एक सच्चा गड़ेरिया हूं, एक सच्चा चरवाहा हूं, और जो उसके साथ चलने वाले उसकी भेड़ें। उसने स्वयं को चरवाहा का दर्जा दिया और अपने पीछे चलने वाले को भेड़ का दर्जा दिया। ठीक जैसा वह संसार में आया और स्वयं चरवाहा बना और अपने पास रहने वाले लोगों को भेड़ का दर्जा दिया, उसी प्रकार जब संसार से, जब यहाँ संसार से जब स्वर्ग में उठाया गया, उसके बाद उसने वही अधिकार अपने दास, अपने सेवकों को दिया है। अपने दासों, अपने सेवकों को उसने उस चरवाहा, उस अगवे का दर्जा दिया है और जितने उनके सुनने वाले हैं उनको भेड़ों का दर्जा दिया। इसलिए जैसे चरवाहा कहता गया और उसकी भेड़ सुनती गई, करती गई, ठीक उसी प्रकार आज भी वह परमेश्वर चाहता है कि जो उसके दास, उसके सेवक हैं, वह उस चरवाहे के रूप में है और जो उनकी सुनने वाली है वे भेड़ों के रूप में है। इसलिए अवश्य है कि उन भेड़ों को अपने चरवाहे की सुनना चाहिए, इसलिए अवश्य है कि उन भेड़ों को अपने चरवाहे की सुनना चाहिए। जैसा चरवाहा चाहता है वैसा करना चाहिए, जैसा वह कहता है वैसा करना चाहिए, अपने चरवाहे के अधीन। यदि भेड़ें अपने चरवाहे के अधीन रहती हैं तो भेड़ों के बारे में न्याय के समय में चरवाहे को जवाब देना। अगर भेड़े अपनी मनमानी होकर अपना जीवन जीना चालू कर दें तो उस न्याय के समय में चरवाहा दोषीदार नहीं बल्कि भेड़े दोषीदार ठहरेंगे और वे दंड के योग्य होंगी। वह कितना भी परमेश्वर के करीब क्यों न रहे फिर भी उनको न्याय के समय खड़ा किया जाएगा। इस बात के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए एक चरवाहा ठहराया, एक अगुआ ठहराया, तुमने उसकी न सुनी, तुमने उसकी न मानी, तूने क्या किया, अपनी मनमानी। मेरे प्रियो आज वही काम शैतान कर रहा है कि हर चरवाहे से भेड़ों को अलग कर रहा है। भेड़े ये समझ अपने आप को समझ रही हैं कि मैं परमेश्वर के मार्ग पे चल रहा हूं और उसकी स्तुति आराधना में बना हूं, मैं उसके स्मरण में बना हूं, आए दिन रात दिन मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उसके वचन को सुन रहा हूं, उसके मार्ग पे चल रहा हूं। वह ये सोचता है लेकिन ये नहीं ध्यान देता कि जो वह कर रहा है वह किसके अधीन होकर कर रहा है। क्या सच में वह अपने अगुए के अधीन है, क्या सच में वह अपने चरवाहे के अधीन है, या सच में जिस कलीसिया से वह, जिस कलीसिया से प्रभु को जा रहा, या जिस कलीसिया से प्रभु के उस सामर्थी वचनों का ज्ञान वह प्राप्त कर रहा है, उस कलीसिया का जो सेवक है, क्या सच में उसके अधीन होकर वह चल रहा है। और शैतान क्या कर रहा है कि हर भेड़ों को उसके चरवाहे से अलग करके उन्हें परमेश्वर के दृष्टि में दोषीदार ठहरा रहा है।
मेरे प्रियो, इसलिए वचन में प्रभु हमें समझाते हुए, चेतावनी देते हुए वह कह रहा है, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परीक्षाओं में पड़ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दंड के योग्य ठहरो। इसलिए आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और ध्यानपूर्वक गहराइयों से इस वचन को समझिएगा। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट कर समझा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर जो है अपनी बातों को अपने दास, अपने सेवक पौलुस के माध्यम से वो हमारे पास से इस बात को भेजा है। उन लोगों के लिए ये प्रेरित पौलुस ये बातें कह रहा है कि जो प्रभु में सेवक है, जो दास है, उनके लिए ये बातें कह रहा है कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। और प्रेरित पौलुस कह रहा है सेवकों के लिए कि मैं तुम्हें क्या करता हूं, आदेश देता हूं, क्या करके, कि परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह ठहराता हूं। मैं किसी मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को गवाह ठहराता हूं और यीशु मसीह को गवाह ठहराता हूं और ठहरा कर मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूं कि कोई मुझे दोषीदार न ठहराए, क्योंकि हमारा गवाह कौन है, परमेश्वर है और यीशु है, कि मैं उसकी उपस्थिति में तुम्हें ये बातें समझाता हूं और इस बातों का गवाह परमेश्वर और यीशु मसीह स्वयं है। इसलिए कहता है कि परमेश्वर और यीशु मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, जो क्या करेगा कि वह परमेश्वर जो यीशु मसीह है वह जीविते और मरे हुए लोगों का दोनों का न्याय करेगा। अंत के समय में क्या करेगा कि वही है जो जीविते और मरे हुए दोनों का न्याय, यानी जो न्याय करने वाला है उसी को मैं अपना गवाह ठहराता हूं और उसी के उपस्थिति में मैं तुम्हें आदेश देता हूं। किस बात का आदेश देता है कि तू वचन का प्रचार किया। सेवकों से कह रहा है कि तू क्या कर कि वचनों का, जो परमेश्वर के पवित्र वचन है, उनका प्रचार किया कर। और असमय कह रहा है, समय और असमय तैयार रह, हर समय तू क्या कर, तैयार रह। कहता है कि तू वचन का प्रचार हमेशा किया कर, हमेशा हमेशा वचन का प्रचार किया कर और समय असमय हमेशा परमेश्वर के इस सुसमाचार और प्रचार के लिए हमेशा तैयार। प्रेरित पौलुस हमें चेता रहा है और वह कह रहा है कि मैं तुझे आदेश देता हूं किसकी, किसको गवाह ठहरा कर, परमेश्वर और यीशु को गवाह ठहरा कर, कि जो यीशु खुद जो है कि न्याय करने के लिए अंत के समय में वह क्या करेगा, हर मनुष्य का न्याय करेगा। उस यीशु को गवाह ठहरा कर कहता है मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू हमेशा क्या कर, वचन का प्रचार किया कर, समय असमय हमेशा तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। कहता है हर प्रकार के, सब प्रकार के सहनशीलता अपने अंदर रखकर शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। कह रहा है कि जो तेरे सुनने वाले हैं, जो तेरे सुनने वाले, जिनको प्रभु तेरे जुबान से निकले हुए वचन को सुनने वाले ठहराए हैं,
अर्थात तू अपने भेड़ों को क्या कर, वह कह रहा है कि तू अपने भेड़ों को क्या कर कि उनके प्रति सहनशीलता अपने अंदर रख ले, उनकी बातों या उनके सारे चाल चलन हर एक स्वभाव के प्रति सहनशीलता अपने अंदर रखकर शिक्षा के साथ उन्हें उलाना दे। अगर उनके अंदर कोई कमी है, अगर गलती है, तो परमेश्वर के वचन रूपी शिक्षा के साथ उन्हें उलाहना दे, उन्हें डांट और उन्हें समझा। कहता है कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि ऐसा काम कर कि अगर उनके वे अगर परमेश्वर की इच्छा के विपरीत हैं, उसके नियम उसके व्यवस्था के विपरीत हैं, तो वचन में वह कह रहा है कि तू सहनशीलता अपने अंदर रखकर शिक्षा के साथ तू उन्हें उलाहना दे, उनके ऊपर दोष लगा, उन्हें उलाहना दे कि तू जो ये काम करता है ये गलत है, ये वचन के दृष्टि में गलत है। कहता है और उनकी गलती को देखकर उन्हें डांट और डांटने के बाद उन्हें समझा। कहता है उन्हें समझा भी दे। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे लीडर हैं जो कलीसियाओं के लीडर हैं, अगर उनका अगुआ उन्हें वचन के शिक्षाओं के साथ अगर उन्हें उलाहना देता है, उन्हें समझाना चालू करता है, उन्हें डांटना चालू करता है, तो वे क्या करते हैं, उस डांट को अपना अभिषेक नहीं, उस डांट को परमेश्वर की आशीष नहीं, उस डांट को अभिषेक का तेल नहीं, बल्कि उस डांट को अपने लिए बुरा समझते हैं। ये समझते हैं कि ये हमारे लिए, ये हम पे दोष लगाने के लिए, लोगों के सामने हमें बेइज्जत करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वे क्या समझते हैं कि उनके लिए पर्सनली उनको दोष लगाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। लेकिन हे मूर्खों, जो ऐसे समझने वाले मूर्ख हैं, वे अपने बुद्धि अपने विचार अपने दिमाग को खोलकर परमेश्वर के इस वचन की तरफ ध्यान दो कि मैं नहीं या कोई सेवक नहीं या कोई सिखाने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की वचन आपको उलाना दे रही। हर एक लीडर, हर एक सुनने वाले को ये समझना चाहिए कि ये परमेश्वर की वचन जो सुनाई जा रही है, सुनने के बाद उन्हें अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मैं दोषीदार तो नहीं हूं। अगर अपने आप को जांचने पर अगर दोष निकलता है, तो स्वयं को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। ये नहीं कि शैतान को अपने जीवन में घुसने के लिए जगह देना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो क्या कहते हैं कि उन्हें वचन को सुनने के बाद वह स्वयं के ऊपर क्या ये ध्यान देते हैं कि ये हमें देखकर ये वचन बोलकर हमें जो है कि दोषीदार ठहरा रहे हैं। ऐसे सुनने वाले को मैं खुद चेतावनी दे रहा हूं, वचन के अनुसार मैं चेतावनी दे रहा हूं कि आप जो अपने बुद्धि अपने विचारों के अंदर ऐसा ख्याल रखते हो, तो आप अपने जीवन में शैतान को घुसने का जगह देते हो। यदि आपके अंदर इस वचन के अनुसार या शिक्षाओं के अनुसार कोई कमी दिखाई देती है, तो उन सारी कमी उन सारी गंदगी को अपने अंदर से निकालो और स्वयं को परमेश्वर के वचन के खराई में खड़े करो, ताकि तुम अंत के समय में, न्याय के समय में दंडित न किए जाओ, क्योंकि न्याय बहुत बहुत खरा है। उस समय यह नहीं देखा जाएगा कि तुम कितना परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हो, कितना प्रार्थना करते हो, कितने वचन को सुनते हो या कितने प्रभु के पास समय देते हो, यही नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि तुम कितने शिक्षाओं को सुनते या पढ़ते या समझते थे, तो कितने अपने आप को उन शिक्षाओं पे चला रहे हो। जो तुम वचन सुनकर ये समझते हो कि नहीं, ये खराई के साथ जो हमें वचन के माध्यम से हमें जो समझाया जा रहा है, ये हमें देखकर हमें उलाहना दिया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है, हमारी बेइज्जती की जा रही है, मूर्खों तुम अपनी बेइज्जती की तरफ ध्यान ना दो, ये ध्यान दो कि परमेश्वर के मार्ग पे आपको खड़ा करने के लिए आपके लिए ये वचन दी जा रही है, ये वचन आपको समझा रही है, ये कह रही है, ये वचन ही सेवकों को हर शिक्षा देने वाले, हर उपदेश
देख करने वाले लोगों को यह वचन ही आदेश देती है। ये परमेश्वर की वचन आदेश दे रही है, कह रही है तू वचन का प्रचार किया कर, समय असमय हमेशा तैयार रह और सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे। जितने परमेश्वर में जितने विश्वास करने वाले लोग, जितने सीखने वाले और जितने लीडर लोग हैं, हर एक को क्या कर कि शिक्षा के साथ उन्हें उलाहना दे। अगर उनके कोई कमी है तो उनके कमियों को उन्हें बता, और बताने के बाद अगर कमी नहीं निकलती है तो उन्हें डांट, और डांटने के बाद उन्हें समझा दे। मेरे प्रियो, हर एक को ये बातें समझाया जा रहा है। यदि आपके अंदर कोई कमी है तो आप उस कमियों को स्वयं को दोषीदार ठहराओ कि मैं खुद परमेश्वर की नजर में दोषी हूं। ये नहीं कि जो आपको सिखा रहा है या वचन की शिक्षा आपको दे रहा है उसको दोषीदार ठहराओ कि नहीं ये हमें ऐसा कहते हैं, वे नहीं कहते, ये परमेश्वर की वचन आपको दोषीदार ठहरा रही है। भला एक सेवक, एक दास या एक उपदेशक को औकात कहां है कि वह किसी के ऊपर अंगुली उठाए या किसी के ऊपर दोष लगाए? अगर वह किसी के ऊपर दोष लगाएगा तो वचन कहती है कि दोष न लगाओ कि तुम पर दोष लगाए। वह दोष नहीं लगाता, बल्कि यह परमेश्वर के पवित्र वचन है जो हर एक को दोषीदार ठहराते हैं, हर एक को दोष लगाते हैं कि तुम्हारे अंदर यह कमी है। वचन कहती है कि ऐसा ना होना चाहिए। वचन ये समझा रही है कि तुम, अब वह सेवकों को समझा रही है, आदेश दे रही है कि तू सहनशीलता रखते हुए शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और उन्हें समझा दे। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आएगा, वह कह रहा है कि तू हमेशा समझाता रह, हमेशा समझाता रह, जितने तेरे सुनने वाले या जितनी तेरी भेड़े हैं अपने भेड़ों को हमेशा क्या कर समझाता रह। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हर चरवाहा अपने भेड़ों को अपनी निगरानी में रखता है और अपने भेड़ों के ऊपर ताड़ना देता है। कब ताड़ना देता है? कि जब भेड़ चरवाहे के विरोध में जाना चालू करती है तो वह चरवाहा क्या करता है, उन भेड़ों के ऊपर अपनी लाठी बरसाता है, उन्हें बुलाता है, उन्हें दिशा दिखाता है, नहीं देखती, मनमानी करती, वह लाठी से उन्हें ताड़ना देता है। तो ये जो धर्मी की डांट होती है और धर्मी की जो डांट होती है और धर्मी की जो उलाहना होते हैं, ये इसे अपने डांट के रूप में नहीं, उलाहना के रूप में नहीं बल्कि परमेश्वर के तेल रूपी अभिषेक के रूप में अपने आप को स्वीकार करो। अवश्य है कि स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा, स्वर्ग में आपको बड़ा प्रतिफल मिलेगा। जो इस डांट को और जो इस उलाहना को परमेश्वर की आशीष समझ के ग्रहण करेगा और स्वयं को बदलेगा, वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाएगा और परमेश्वर यानी स्वर्ग के राज्य में उसे जगह मिलेगी। और जो स्वयं को उलाहना और स्वयं को जो है कि अपनी दृष्टि में जो गलत उस चीज को स्वीकार करेगा, तो वह परमेश्वर के न्याय के समय वह खड़ा किया जाएगा और उसका न्याय, उसको अपना न्याय चुकाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, ये वचन कहती है हर उपदेशक के लिए, हर सेवकों के लिए कि भाई जितनी तेरी भेड़े हैं उन्हें डांट, उन्हें समझा, उसे भटकार के वह सही मार्ग सही दिशा दिखा। और हर सेवक, हर अगुआ अपनी भेड़ों के साथ यही चाहता है कि उसकी भेड़ें तितर बितर ना हो, अपनी मनमानी ना करे, वह स्वयं में बुद्धिमान, स्वयं के दृष्टि में समझदार न बने। क्योंकि स्वयं के दृष्टि में बुद्धिमान होना, स्वयं के दृष्टि में समझदार होना अपने जीवन में शैतान को मौका देना। जो ऐसा करते हैं वह अपने जीवन में शैतान को मौका देते हैं। वह मनुष्य स्वयं के दृष्टि में परमेश्वर का भक्त समझता है, स्वयं के दृष्टि में वह परमेश्वर की दिन रात और स्तुति आराधना प्रार्थना तो करता है, बाइबल के वचनों को पढ़ता है और लोगों के बीच में शेयर तो करता है, लेकिन वह सारा काम उसका क्या होता है, परमेश्वर की व्यवस्था उसके नियम के विरुद्ध होता है।
तो मेरे प्रियो, आप अपने आप को जरूर इस बात को देखो कि आप जैसी चाल चलते हो, जैसा सोच आप रखते हो या जैसा काम करते हो, क्या आपके काम आपके अगुए या आपके आपके सिखाने वाले या आपके उपदेशक के इच्छा के अनुसार है या नहीं है, या आपके सिखाने वाले के इच्छा के अनुसार है कि नहीं है, आप वैसा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने समझ के अनुसार अपने बुद्धि के अनुसार यदि आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मनमानी कर रहे हो। यदि आप अपनी मनमानी कर रहे हो तो परमेश्वर के दृष्टि में आप दोषीदार। इसलिए आइए वचन क्या कहती है, कहती है कि क्योंकि वह इसलिए ऐसा समझाने की बातें हो रही है क्योंकि अभी जो समय आने वाला है वह बहुत बहुत भयानक समय है। इसलिए यह प्रेरित पौलुस हर सेवकों के लिए ये बातें उपदेश के रूप में सिखा रहा है, कह रहा है मैं आदेश देता हूं कि ऐसा करके अपने भेड़ों को रखना। अगर भेड़े अगर वश में होती है, अगर सुनती है, डांट को सहन करती, आशीष के रूप में ग्रहण करती है तो वह परमेश्वर के मार्ग पे बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आता है, कहता ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश न सहेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कहता है कि अभी ऐसा समय आएगा, ये प्रेरित पौलुस बता रहा है कि ऐसा समय आएगा कि जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो अपने अगुए या अपने उपदेशक के जुबान से वह खरे उपदेश जो सुनते हैं वह क्या करते हैं, वे कानों में खुजली करना चालू कर देते हैं क्योंकि वे उन्हें सहन नहीं होता, वह खरे उपदेश को सुनकर सहन नहीं करते बल्कि उस उपदेश और उस उपदेश के ऊपर और उपदेश देने वाले के ऊपर अंगुली उठाते हैं और दोषीदार ठहराते हैं। यानी परमेश्वर और परमेश्वर के दास दोनों के ऊपर अंगुली उठाते हैं कि ये देखो ऐसा ऐसा बोलते हैं, यानी उनको बहुत भला बुरा करके और भले बुरा कह कह कर उन्हें एक एक अजीब ढंग का दर्जा देते हैं। मेरे प्रियो, उसी बात के लिए वह प्रेरित पौलुस कह रहा है ऐसा समय अभी आएगा। वह तो कहा है कि आएगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं यह समय आ चुका है। वचन ये बता रही है कि यह समय अभी आ चुका है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस खराई के उपदेश को सुनकर सह नहीं पा रहे हैं बल्कि उनके बीच में क्या हो रहा है कि उनके कानों की खुजली की बातें हो रही है। वे लोगों में क्या करते हैं, आपस में कुड़कुड़ाहट करके आपस में क्या करते हैं, गुटबाजी करते हैं और गुटबाजी करके उस खरे उपदेश को जब सहन नहीं हो पाता है तो वह कानों में, वचन कहती है पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ऐसा हो रहा है कि जब कोई अगुआ, जब कोई सेवक, जब कोई खराई का उपदेश उनके लिए सुना रहा है, अगर उस उपदेश के तहत उनके अंदर कोई दोष है तो वह अपने दोष को अपनी तरफ अपने अंदर ध्यान न देकर उस दोष को निकालते नहीं है बल्कि क्या करते हैं, अपनी इच्छा यानी अपनी मर्जी अपनी अभिलाषा पूरा करने के लिए वह अलग अलग उपदेशों को चुन चुन कर अपने पास बुलाते और अपने अपने पास बुलाकर क्या करते हैं, उनसे उपदेश लेते हैं। कहता है वचन में वह कहता है कि आएगा, लेकिन यह वचन अब बता रही है कि अब आ चुका, ऐसा हो रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अभिलाषा के कारण अपना मन पूरा करने के लिए, ये नहीं कि अगुए के अधीन रहने के लिए या अपने सेवक के अधीन रहने के लिए बल्कि वह अपनी मर्जी के अनुसार रहने के लिए अपनी इच्छा अभिलाषा पूरा करने के लिए वह क्या करते हैं, वह क्या करना चालू कर दिए हैं कि अगुए या उस उपदेशक के आड़ में वह क्या करते हैं कि अलग अलग क्या करते हैं कि बहुत से उपदेशकों को अपने पास बुला बुला कर वह क्या करते हैं कि अपने मनचाहा काम करना चालू कर दिए। जैसा
प्रेरित पौलुस ने आज के 1000 साल पहले ये बातें लिख दिया था, ये कह दिया था कि तुम सावधान रहो, मैं तुझे जो है कि आदेश देता हूँ। किनके लिए? कहता है हर उपदेशकों के लिए, हर अगुवे के लिए आदेश देता हूँ कि तुम प्रचार हमेशा करते रहो, समय असमय हमेशा तैयार रहो, सब प्रकार की सहनशीलता शिक्षा के साथ हमेशा उलाहना दो, अपने भेड़ों को उलाहना दो, उन्हें डांटो और उन्हें समझा कर रखो। नहीं, ऐसा समय आएगा कि लोग उन्हीं में से लोग क्या करेंगे, जब खराई का उपदेश सुनेंगे तो वह सहेंगे नहीं, बल्कि उनके कानों में खुजली आ जाएगी और वह खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार क्या करेंगे, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। मेरे प्रियो, मैं तो आपको बता रहा हूं कि बहुत से ऐसी जगहों पर ऐसा हो रहा है कि अगवे के आड़ में लोग बहुत से उपदेशकों को बटोर बटोर कर अपनी अभिलाषाओं को पूरा कर रहे हैं, अपनी मनमानी पूरा कर रहे हैं, अपने अपने मन की इच्छाओं पे काम कर रहे हैं। लेकिन आगे वचन कह रही है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। कह रहा है कि वे बहुत से उपदेशक बटोरेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर, यानी परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की व्यवस्था से वह क्या करेंगे, अपने कानों को फेर कर वह उनकी बातों के, उन उपदेश जो उपदेशक बटोर कर लाएंगे, उनकी कथा कहानियों पर। कथा कहानियों का मतलब ये है कि उनके द्वारा बोले गए जो भी बातें हैं, उन बातों में वह क्या हो जाएंगे, उन बातों में फंस जाएंगे। वचन कहती है कि सत्य से फिर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे, अपना कान उन पे लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रहना। कहता है हे सेवक, तू सब बातों में सावधान रहना, तुम्हें जो कुछ करना है तू अपने परमेश्वर के आज्ञा उसके नियम के अनुसार करना, क्योंकि बहुत वह समय आएगा कि लोग बहुत से उपदेशक को बटोरेंगे, अपने पास लाएंगे, और जो सच्चाई की वचन है, जो खराई की वचन है, उससे अपना कान हटाकर बल्कि कथा कहानियों पर लगाएंगे, जो उपदेशक अपने मर्जी, अपने इच्छा, अपने अनुसार जो उनको सुनाएंगे, वे क्या करेंगे, उन पे विश्वास करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा कि ऐसे बहुत सी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि लोग ऐसे उपदेशकों को, बहुत से अलग अलग उपदेशकों को अपने पास बुलाते हैं, और वह उपदेशक उन्हें भरमाने के लिए, उनके दृष्टि में अपने आप को महान बनने के लिए, उनके बारे में झूठी झूठी भविष्यवाणियां गढ़ते हैं और झूठी झूठी कहानियां गढ़कर उन्हें सुनाते हैं और झूठी झूठी उपदेश गढ़ के उन्हें सुनाते हैं, और वे सब क्या करते हैं, उनके बातों में आकर वह क्या करते हैं, उनकी तरफ अपना मन फिरा लेते हैं। जो बातें पौलुस ने कहा, मैं उस बात को मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, जो बहुत से लोग हैं, बहुत से ऐसे जन हैं जो अपने अगुवे से फिरकर ऐसे लोगों में जाकर फंस चुके हैं और फंसकर अपने आप को नरक कुंड के योग्य ठहरा रहे हैं, अर्थात वह न्याय में न्याय चुकाने के योग्य ठहराते हैं, खड़े होने के योग्य ठहराते हैं। वे स्वयं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना में रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन स्वयं को क्या बहका कर दिए हैं, वो खरी शिक्षाओं से दूर करके उन उपदेशकों के कथा कहानियों की बातों पे ध्यान देते हैं, और उनके अंदर एक अभिलाषा, यानी वचन कहती है ना कि वे अपनी अभिलाषा के अनुसार, उनके अंदर क्या अभिलाषा हो गई है कि ये उपदेशक क्या करे, हमारे बारे में भविष्यवाणी करे, हमें ऊंची ऊंची बातों के बारे में भविष्यवाणी करे, हमें बातों के बारे में बताएगा तो हमें खुशियां होगी, हम लोगों के बीच में, लोगों के सामने महान कहलाएंगे। उनके अंदर ये भावना प्रकट हो जा रही है, और ज्यादातर क्या करते हैं, सच्चाई से अपने कानों को हटाकर उनके उनके कथा कहानी, उनके ऐसी ऐसी बातों के तरफ अपना कान और अपना ध्यान, अपना मन, अपना विश्वास लगाए हुए हैं, और उनको अपने दृष्टि में महान और अपने दृष्टि में बुद्धिमान और अपने दृष्टि में समझदार समझ के उनकी बातों को ग्रहण कर रहे हैं। मेरे प्रियो, लेकिन यहां वचन सेवकों के लिए फिर चेतावनी दे रही है, कह रही है कि पर तू सब बातों में सावधान रहना, दुख उठा लेना, सुसमाचार के प्रचार का काम करना और अपनी सेवा को पूरा करना। लेकिन वह उस सेवक को फिर आदेश देता है,
फिर वह आदेश देते हुए कह रहा है कि हे सेवक, तू सब बातों में हमेशा सावधान रहना। तू क्या करना? सावधान रहना, अपने आप को सावधान रखना। और इस सावधानी में अगर ऐसा मोड़ आए तो दुख जरूर उठा लेना, तुम कष्ट को झेल लेना, कष्ट उठा लेना, लेकिन सुसमाचार प्रचार का काम हमेशा करते रहना। जो परमेश्वर के वचन के प्रचार का काम है, सुसमाचार का काम है, नित्य करते रहना और अपनी सेवा को अधूरा मत छोड़ना, बल्कि उसे पूरा करते रहना। ये एक सेवक के लिए जिम्मेदारी की बातें, वो जिम्मेदारी की बातों के लिए वह आदेश दे रहा है। मेरे प्रियो, हर एक सच्चा सेवक जो खराई से उपदेश देने वाला, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको समझाने वाला जो उपदेशक है, वह जरूर है कि खराई से अपने उपदेश के काम करता रहेगा। वह दुख उठाएगा, तकलीफें उठाएगी, लोगों के उलानों को सुनेगा और सुनकर सहनशीलता अपने अंदर रखेगा, सहेगा और सहने के साथ साथ वह सुसमाचार का काम करता रहेगा, वह पीछे नहीं हटेगा। कहा कि मोड़ आएंगे और तेरे लोग ऐसे ऐसे हो जाएंगे, लेकिन तू सावधान रहना। मेरे प्रियो, जितने भी लीडर हैं, जितने भी सेवकों के अधीन रहने वाले लोग हैं, जितने अगुए के अधीन रहने वाले लोग हैं, मैं उनको वचन के द्वारा चेतावनी देता हूं कि अभी भी आपके पास समय है। यदि आपके अंदर ऐसी कमियां हैं तो अपने आप को क्या कर लो, सुधार लो। ये मत समझो कि आप परमेश्वर के वचनों को ज्यादा जानते हो, या परमेश्वर के वचन को ज्यादा पढ़ते हो, या परमेश्वर की स्तुति आराधना प्रार्थना में ज्यादा समय लगाते हो। ये अपने आप को महान मत समझो, इस बात को महान समझो कि क्या आप परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हो। क्योंकि वचन कहती है कि तुम ये समझो क्या कि तुम परमेश्वर के मर्जी को पूरा कर रहे हो कि नहीं। तुम्हारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या तुम उस इच्छा को जानते हो? और उसने अपनी इच्छा में जो अपना नियम, अपनी आज्ञा, अपनी व्यवस्था ठहराई है, क्या तुम उस व्यवस्था को पूरा करते हो? हर एक सुनने वाले, हर एक भेड़ों के लिए ये बाइबल बताती है कि हर भेड़ को अपने चरवाहे के अधीन होकर ये परमेश्वर के जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि मैं आपको एक वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूं, वह वचन है इब्रानियों अध्याय 13 वचन 7 से मैं आपको बताना चाहता हूं। हर अगुए के लिए और हर अगुए के जितने शिष्य हैं, जितने चाहने वाले, जितने सुनने वाले, जितने भेड़े हैं, उनके लिए ये चेतावनी है। क्योंकि ये चेतावनी प्रेरित पौलुस जो है कि स्वयं परमेश्वर की ओर से दे रहा है, और यहां वचन में कह रहा है, इब्रानियों अध्याय 13:7 वचन में वो कह रहा है कि जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण करो। जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें क्या करो, हमेशा स्मरण रखो और ध्यान से, वचन कहती है कि ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। कहता है कि ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर कि वे कैसे चलते रहे, वह क्या करते रहे और क्या कहते रहे, उन सारी बातों को, उनके विश्वास का अनुकरण करो, उनकी बातों के या उनके कामों के ऊपर विश्वास का अनुकरण करो कि यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। यीशु मसीह कल भी जैसा था, आज भी वैसा है, और आने वाले समय में यानी युगा युग वैसा ही रहेगा। कहता है नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए न जाओ। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि भाई नाना प्रकार के उपदेशों को सुनकर तुम अपने आप को भरमाए न जाओ।
ये ना समझो कि नहीं भाई आपकी जिस अगुए के अंदर हो, आपका अगुआ आपको जो सिखा रहा है या आपका चरवाहा जो आपको सिखा रहा है, उसके अलावा यदि आप और चरवाहे या और अगुए के उपदेशों को सुन सुनकर या और लोगों के उपदेशों को सुन सुनकर तुम उनके बातों में आकर भरमाए न जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना कहता है तुम अपने मन के ऊपर होने वाले उनके बातों का जो अनुग्रह है उस अनुग्रह से दृढ़ बने रहना, कहता है अपने आप को मजबूत बनाए रहना कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी बातों को सुनकर तुम भरमा जाओ। मेरे प्रियो, आज यही समय है कि शैतान परमेश्वर के लोगों को, यानी जितने जितने चरवाहे और जितने चरवाहे की भेड़े हैं, उन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ऐसा ही काम प्रकट कर रहा है। उन जितनी भेड़े हैं उनके पास किसी और अगुए के उपदेशों को उनके पास भेज भेज कर उनके मनों को परिवर्तन करके क्या कर रहा है, अगुए यानी चरवाहे और भेड़ों के बीच में दूरियां प्रकट करके वह परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं को तोड़ता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूं, शुरुआत में जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के समय में जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि भाई सारे पेड़ के फल को खा सकते हो, लेकिन वह भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसके फल को नहीं खाना है, आज्ञा आदम को देता है और आदम हवा को आज्ञा ये बताता है। और शैतान जो परमेश्वर का विरोधी है, वह सोचा कि परमेश्वर मनुष्यों से ज्यादा प्रेम करता है, तो इनको उनके विरुद्ध उनके नियम के खिलाफ यदि करेंगे तो परमेश्वर बहुत दुखी होगा और ये परमेश्वर के दृष्टि में दोषीदार ठहरेंगे, और इन्हें परमेश्वर के नियम को तोड़ने के लिए, परमेश्वर के नजर में गिराने के लिए वह शैतान सांप के वेश में उस पेड़ के ऊपर जाता है और मन में विचार करता है, एक बार सोचता है कि मैं आदम को अपने वश में करूं, तो वह सोचता है कि आदम ने परमेश्वर से बात किया है और परमेश्वर ने आदम को आज्ञा ठहराया, इसलिए आदम मेरी बात में नहीं आएगा। उसने हवा के ऊपर नजर डाला, हवा को देखा तो उसको समझ में आया कि हवा को आदम ने ठहराया, इसलिए ये हवा हमारी बातों में उलझ जाएगी। इसलिए हवा को आवाज देता है, पूछता है क्या तुम इस बगीचे के हर पेड़ का फल खा सकती हो, उसने कहा नहीं। वो पूछता है क्यों, उसने कहा परमेश्वर ने मना किया है कि सारे पेड़ के फल को खाना है मगर इस पेड़ के फल को न खाना है। वो पूछता है, शैतान पूछता है कि परमेश्वर ने क्या आज्ञा ठहराया, उसने कहा कि इस पेड़ के प्रति क्या आज्ञा ठहराया। हवा ने कहा कि परमेश्वर ने इस फल के प्रति ये आज्ञा कहा है कि सारे पेड़ के फल को खा सकती हो लेकिन इस पेड़ के फल को न छूना न खाना है। हवा ने एक शब्द बोल दिया, एक शब्द, छूना, न छूना है न खाना है, परमेश्वर ने मना किया था कि नहीं खाना है, लेकिन इसने एक शब्द ज्यादा बोल दिया कि न छूना है न खाना है। शैतान एक शब्द पे मौका पाया और हवा को बहका लिया, कहा हे हवा तू जानती है ऐसा क्यों कहा, उसने कहा क्यों, हाँ इसलिए उसने कहा कि अगर तू खा लोगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तू इस पेड़ के फल को खाओ और उसके बराबर हो जाओ, इसलिए मेरी मान तू खा लेगी ना तो तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी, परमेश्वर की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी। उसने कहा नहीं, परमेश्वर ने मना किया, कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता तो एक बार छू कर देख तुझे कुछ होता है। जब उसने हाथ बढ़ाया छुआ तो उसे कुछ नहीं हुआ, तब वह शैतान कहता है देखा मैंने तुझसे कहा ना कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू परमेश्वर के बराबर हो जाएगी, देखा तूने छुआ कुछ हुआ नहीं हुआ ना, इसलिए तोड़ और खा। एक शब्द पे हवा को उसने बहकाया, जब हवा छूती है कुछ नहीं हुआ, उकसा दिया तोड़ ले खा ले, और उसने उसके उकसाने से तोड़ा, खुद खाया और आदम को खिला दिया, और दोनों के दोनों परमेश्वर की नजर में गिर गए, दोनों के दोनों परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, परमेश्वर के अनुग्रह में रहते थे, परमेश्वर की सुनते थे, परमेश्वर की मानते थे, परमेश्वर उनसे प्रेम करता था, वे परमेश्वर से प्रेम करते थे,
प्रेम करते हुए सब कुछ परमेश्वर के अधीन रहते हुए एक शब्द के कारण उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम कर दिया और शैतान ने करवा दिया। आज वही हो रहा है। वहां पर हवा को बहकाया एक शब्द, छूना वाले शब्द से बहका लिया। आज यहां पे क्या बहका रहा है? एक जो चरवाहा है, चरवाहा के भेड़ों को शैतान कैसे बहका रहा है कि उन्हें अन्य लोगों का उपदेश उनके पास भेजकर उनके मनों के ऊपर जाकर बैठ जा रहा है और उनके अंदर भक्ति की भावना तो उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर के प्रति लगन की भावना तो उत्पन्न कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की जो व्यवस्था है अगुए के अधीन होने की, इस व्यवस्था से उन्हें अलग कर दे रहा है। और इन्हीं व्यवस्था के कारण जब अलग हो जाता है एक चरवाहा से, जब भेड़े जब अलग हो जाती है तो परमेश्वर की नजर में गिर जाती है और वे न्याय के सामने न्याय देने के योग्य ठहरती है। और शैतान बारीकी से हर एक भेड़ों को ऐसा अपने वश में कर रहा है। जैसा आपने अभी उधर वचन में सुना ना कि भाई वे लोग क्या करेंगे, ऐसा समय आएगा कि लोग सत्य से अपना कान फेर कर कहां लगाएंगे, हर अनेक प्रकार के कथा कहानियां बातों की तरफ अपना कान लगाएंगे और क्या होंगे, अपने लिए बहुतेरे अगुए अपने पास बुला लाएंगे और वे अगुओं के बातों के बस में आ जाएंगे, भ्रम में आ जाएंगे, भरमा जाएंगे उनके बातों में आकर। जो कुछ वह अगुआ उनकी बड़ाई के लिए बोलता जाएगा वे उनकी बातों पे विश्वास करेंगे और उनकी बातों के अनुसार उनके मार्गों पे चलना चालू कर देंगे। इसलिए वह सेवकों को कह रहा है सावधान रह, पहले से डांट कर उन्हें समझा कर उन्हें उलाहना देख कर रख कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके बीच में ऐसा काम शैतान प्रकट कर दे, ऐसा काम हो जाए और वह परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए भी लोग परमेश्वर की इच्छा यानी उसके नियम के दूर हो गए। इसलिए यहां वचन कह रही है कि वे नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से भरमाए न जाओ। इसलिए वह कहता है अपने अगुए की आज्ञा को मानो। आप 17वीं वचन को देखेंगे, 17वीं वचन कहती है कि अपने अगुए की आज्ञाओं को मानो, उनके अधीन रहो। कहता है अपने अगुए की आज्ञा को मानो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। इसलिए तुम्हें क्या करना चाहिए, अपने अगुए के आज्ञाओं को मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हुए क्या करते हैं, जागते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें परमेश्वर के सामने तुम्हारे प्रति लेखा देना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, जितने दास हैं उनके लिए भी चेतावनी है और जितने अगुए हैं उन दोनों के लिए जो चेतावनी की बातें जो प्रेरित पौलुस ने दिया था, मैं हर एक के सामने ये बातें रखा हूं क्योंकि आत्मा ने आज इन बातों को आपके लिए उकसाया है। क्योंकि हर अगुए के लिए उकसाया कि भाई अगुए अपने कामों को करते रहे, क्योंकि अभी समय आएगा तो जितने उसके दास हैं वे उनके बीच में ऐसी ऐसी बातें हो जाएंगी, वह अपने मन की अभिलाषाओं में हो जाएंगे और अपने मन की इच्छाओं पर चलना चालू करेंगे, अपने लिए नया नया अगुआ ढूंढेंगे और अपने पास बुलाएंगे और वह नए अगुए क्या करेंगे, अपने बातों में उन्हें भरमाएंगे और भरमा कर उन्हें सच्चे खराई के उपदेश से उन्हें दूर कर देंगे। इसलिए वह कहता है कि तू उपदेश और सुसमाचार में लगा रह अगुए के लिए, लेकिन जो दास हैं उनके लिए कहता है हर दास को अपने अगुए के अधीन होना चाहिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। मेरे प्रियो, अवश्य है कि आप परमेश्वर की इन शिक्षाओं को अपने अंदर जरूर रखिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर दया दृष्टि डालेगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखेगा और आपको स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल देगा और आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकार। सबसे पहले अपने अपराधियों को क्षमा करिए।
जिन जिन लोगों से तू तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को क्षमा करिए। अपने घर के हर एक सदस्य को क्षमा करिए, परिवार के हर एक सदस्य को, परिवार में जितने भी लोग हैं हर एक को क्षमा करिए। जितने भी आपके दृष्टि में ऐसे लोग हैं जिन जिन लोगों से तू मैं हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, अनबन हुआ है, हर एक को याद करके हर एक को क्षमा करिए, क्योंकि प्रभु ने कहा क्षमा दोगे तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। इसलिए अपने पड़ोसियों को क्षमा करिए, अपने घर के पड़ोसी, अपने शरीर के पड़ोसी, हर एक को क्षमा करिए। अपने मित्रों को क्षमा करिए, अपने नात रिश्तेदारों को क्षमा करिए। हर एक को दिल से क्षमा करते जाइए। विश्वास से महसूस करके कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और आप प्रभु से बातचीत कर रहे हो और प्रभु से कह कह कि हे प्रभु, फला मनुष्य है जिससे मेरा अनबन हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसके प्रति मेरे मन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर दुश्मनी की भावना है, बदले की भावना है, लेकिन हे प्रभु आज तू मुझे मिल गया, इसलिए मैं उसे दिल से क्षमा करता हूं। एक एक को क्षमा करते रहे। यदि आपने क्षमा कर लिया है तो अपने पापों को याद करके प्रभु के सामने उसे स्वीकार करिए, कबूल करिए। मैं हर एक पापों का नाम बता रहा हूं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, किसी को सताना पाप है, भला बुरा बोलना पाप है, दाइश्या रखना पाप है, हत्या करना पाप है, बुरे विचार करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, लोभ लालच रखना पाप है, किसी को धोखा देना पाप है, किसी की चुगली करना पाप है, किसी को श्राप देना पाप है, किसी के ऊपर घात करना पाप है। यदि आपने अपने जीवन में सारे गुनाह किए तो प्रभु के सामने से स्वीकार करें। प्रभु मैंने पाप किया है, मैंने चोरी किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने गाली दिया है, मैंने भला बुरा किया है, दाइश्या रखा है, हत्या किया है, बुरे विचार किया है, व्यभिचार किया है, गर्भपात किया है, बुरी बुरी बातें करके ठट्ठे मारे, लोभ लालच रखा है, धोखा दिया है, चुगली किया है, श्राप दिया है, प्रभु मैंने एक काम किया है। आज उन्हीं पापों का देन है कि मेरे जीवन में परेशानी है, मेरे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां है। आज मेरे पापों का देन है कि मेरे बच्चे पीड़ित परेशान हैं, मेरे घर में समस्याएं हैं, परिवार में समस्याएं हैं, परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, मेरे पाप के कारण ऐसा है। मेरे पाप का कारण है कि मेरी पत्नी बीमार है, मेरे पाप का कारण है कि मेरे पति बीमार है, मेरे जीवन में भारी समस्याएं हैं, पाप का कारण है मेरे रोजगार में हानियां है, मेरे नौकरी बिजनेस व्यापार के अंदर घटी हो रही है, बहुत मेहनत करता हूं बचता नहीं है, मेरे पाप के कारण। मेरे पाप का कारण है कि जिस काम में हाथ लगाता हूं सफलताएं नहीं मिलती, मेरे पाप का कारण है
जिस काम के बारे में सोचता हूँ पूरा नहीं होता, मेरे पाप का कारण है कि दुष्ट आत्माएं जब चाहती मेरे जीवन में आती है तो तबाहियां मचा मचा कर आती जाती है। मैं स्वयं को बचाना चाहकर भी नहीं बचा पाता, क्योंकि मेरे पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया। मैंने जीवन में पाप किया है और मेरा पाप ने मेरे जीवन को बांध दिया है और मेरा पाप श्राप बन के मेरे जीवन में उतर रहा है। मेरे पाप का श्राप है कि नाना प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन में आ रही है, इसलिए प्रभु मुझ पर दया करिए, मुझे माफी दीजिए, मुझे क्षमा दीजिए, आत्मा को रुला कर गिड़गिड़ा कर माफी मांगिए। आज शाम परमेश्वर को महिमा देते हुए उसे माफी मांगिए, प्रभु मुझ माफी पर दया कर, जो आज तक अब तक मुझसे कोई गुनाह हुआ है, जो आज के पूरे दिन मेरे शरीर से मेरे मन से मेरे विचारों से जो गुनाह पाप हुआ है, प्रभु मैं माफी कर, मैं क्षमा कर। आत्मा को रुला कर प्रभु से गिड़गिड़ाओ और माफी मांगो। सुनो मेरे साथ बोलिए, प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी मेरे अपराधों को क्षमा करें। आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, जिसके शरीर में जहाँ बीमारी हो वो बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में एक या दो बीमारी हो बीमारी पे हाथ रखे, जिसके शरीर में कई बीमारी हो दोनों हाथ सीने पर रखे, जिसके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है भी दोनों हाथ से निकले। आंखों को बंद करके प्रभु का ध्यान करिए। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, इस प्रार्थना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करेगा और आपके शरीर से हर दुख हर तकलीफ हर बीमारियां हर समस्याएं आपके जीवन से चली जाएंगी। पूरे विश्वास में भरिए, पूरे विश्वास में, पूरे विश्वास में। हालेलुया 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 हालेलुया। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, जगत के निर्माण करता मैं इतना धन्यवाद करता, संसार के उद्धार करता मैं इतना धन्यवाद करता हूँ, जगत के ज्योति मैं इतना धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि हे परमेश्वर हर एक के शरीर और आत्मा को तू स्पर्श कर, कि इनके शरीर में जो भी बाधा बीमारी बला दुख तकलीफ रोग दर्द दुष्ट आत्मा निश्चदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान दयालु पिता। हे परमेश्वर अपनी दया दृष्टि हर एक के ऊपर बरसा, ताकि इनके शरीर के ऊपर घर परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, यीशु के नाम से हर बंधन को यीशु के नाम से तोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर तूने अधिकार दिया कहा मैं तुझे शाप और बिच्छू के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य में अधिकार देता हूँ, किसी के द्वारा तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रभु तेरे दिए अधिकार के अनुसार मैं आदेश देता हूँ कि यीशु के नाम से इनके जीवन के सारे बंधन टूटने पाए, हर दुष्ट आत्मा की हरकतों से छुटकारा मिले, हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से नष्ट हो जाए। मेरे महान परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर हर के ऊपर दया दृष्टि बरसा, ताकि जिसके सर में दर्द हो सर का दर्द निकल जाए, सर का दर्द सर का चुभन घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी निकल जाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, झटके आना बंद हो जाए, प्रभु के नाम से आंखों की बीमारी निकल जाए, आंखों में परमेश्वर नई दृष्टि दे, प्रभु के नाम से आगे तो आपकी चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान की चाहे जो कोई परेशानियां हो नष्ट हो जाए, कान का बहरापन दूर हो जाए, दांत का दर्द दांत की पैरियां नष्ट हो जाए, प्रभु के नाम से आगे देता हूं कि तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पेट का दर्द सीने का दर्द निकल जाए, सीने का दर्द निकल जाए, पेट का दर्द निकल जाए, पेट का चुभन नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बाद की बीमारी निकल जाए, साटिका की बीमारी निकल जाए,
प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारी निकल जाए, दमा की बीमारी, HIV की बीमारी, TB की बीमारी, कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, कितने भी पुरानी जख्म है सूख जाए, फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ फोड़े फुंसियां नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ जिसका लीवर काम नहीं करता चंगा हो जाए, जिसकी किडनी काम नहीं करती चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में सूजन है तो नष्ट हो जाए, गैस की बीमारी हो तो निकल जाए, तुम्हारे शरीर के अंदर से गैस की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे लेता हूँ कि तुम्हारे शरीर के अंदर से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया की बीमारी निकल जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे लेता हूँ कि जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, पीलिया स्टेनोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी नष्ट हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से कहता हूँ जिसके पास कोई संतान नहीं है यीशु के नाम से उसके गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो, उनके गर्भ पे कोई बंधन है तो यीशु के नाम से टूट जाए, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी आशीष से हरेक के ऊपर उतरने दे, स्वर्ग से अपनी आशीष से हरेक के ऊपर उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब तेरे आशीषों में पले बड़े चंगे हो जाए, मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हरेक के जीवन में, हरेक के घर में, हरेक के परिवार में आशीष दे, ताकि घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए, हे परमेश्वर घर के अंदर किसी वस्तु की घटी ना हो, हर घटी को भर दे, हर एक रुके हुए अधूरे काम को पूरा कर, परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं खत्म हो जाए, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति परिवार में शांति दे, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, कि हे परमेश्वर जिनको नौकरी की तलाश है नौकरी दे, हे परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उसे काम देकर आशीष दे, जो गरीबी में गरीबी के श्राप में वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबा है वो उसका कर्जा अदा हो जाए, महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार होने दे, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग से, हे परमेश्वर स्वर्ग का भंडार खोल और हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का अभिषेक होने दे, सबके सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो जाए, पवित्र आत्मा को सुले, ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को तेरा स्पर्श हो जाए, ओ राबा रंदा लाबा से केरे वासा खला रंदो से केरे निर्वासी के रे दे, ओ राबा 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 रंदा लाबा से केरे रे वासा खला रा, ओ शिकार आ रा लाबा लाबा से रे ने लो सो को रंदा वासा करन लो वसे ले रे, महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता हर एक के जीवन में तेरा अनुग्रह हो, तेरा स्पर्श होने पाए, हर एक को तेरी आशीष से, हर एक को तेरी आशीष से प्राप्त हो, जिनके जीवन में जो परेशानियां आज यीशु के नाम से चला जाए, हे परमेश्वर के घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, जमीन से संबंधित, हे परमेश्वर कोई परेशानियां हो दूर हो जाए, मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज शाम की प्रार्थना हर एक के लिए करते पिता, कि हे परमेश्वर इनके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानियां है, वह सारी परेशानियां दूर हो जाए, हे परमेश्वर इनके जीवन में कोई भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली हो तो यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट हो जाए, हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा है, हर दुष्ट आत्मा जो इनके शरीर में, इनके इनके घर में, इनके परिवार में, यीशु के नाम से आदेश देता हूं कि वह सारी गंदी आत्मा, सारी दुष्ट आत्मा इनका जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, का जीवन छोड़े और बाहर निकल जाए, मेरे महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो, मेरे महान प्रभु यीशु के नाम से तेरी आशीष और तेरी चंगाई, तेरी शांति हर एक के लिए मांगते हैं, आमेन, परमेश्वर हर एक को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू।